Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read poem Picture Books in Winter of your new English fairy book. Let's start. This is given on page number 13. Warm up exercise. Discuss in pairs and solve this riddle. आपको ग्रुप में डिस्कस करना है और इस पहेली को सुलझाना है. माई स्पाइन स्टिफ, माई बॉडी पेल. मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत कड़ी है और मेरा शरीर पीला है. आई एम ऑलवेज रेडी टू टेल अ टेल. और मैं हमेशा एक पहेली कहने के लिए तैयार रहता हूँ. व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ. Now, hint given, using it doesn't require electricity. इसको इस्तेमाल करने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं है और equipment या किसी और equipment की भी ज़रूरत नहीं है. And you gain knowledge from it. और आपको इससे ज्ञान मिलता है. So students, now what is this? You have to guess and write the answer in the comment section. आपको guess करना है कि ये क्या है. इसको आप रोज़ यूज करते हैं. ये हिंट मेरी तरफ से है. अब ये क्या चीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे. तो चलिए पोएम शुरू करते हैं. लेट्स रीड अ पोएम अबाउट हाउ अ चाइल्ड कैन सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउटसाइड विदाउट स्टेपिंग आउट ऑफ अर नर्सरी. आइए पढ़ते हैं ये कविता और पता लगाते हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा बिना अपने कमरे से बाहर निकले हुए बाहर की दुनिया को कैसे देख सकता है. समर फेडिंग, विंटर कम्स. अब ये कविता जब लिखी गई है ये किस बारे में है. जब गर्मियों के दिन जाने वाले हैं और विंटर्स आने वाली है, सर्दियों का मौसम आने वाला है. फ्रॉस्टी मॉर्निंग, स्टिंगलिंग थम्स. अब सर्दियों के साथ क्या आता है, फ्रॉस्टी मॉर्निंग. सर्दियों की सुबह ठंडी ठंडी, तो ठंडी ठंडी सुबह और टिंगलिंग थम्स यानी ठंड से जब आपके हाथ पैर लाल हो जाते हैं और उनमें चुनचुनाहट सी खुजली सी होने लगती है तो उसे कहते हैं टिंगलिंग. तो सर्दी का मौसम आते ही ठंडी ठंडी सुबह होती है और अंगूठे में खुजली होने लगती है, चुनचुनाहट होने लगती है ठंड से. विंडो रॉबिन्स, विंटर रुक्स. और विंडो पे रॉबिन बर्ड्स आ जाते हैं और साथ ही साथ रुक्स, रुक्स कहते हैं कौवे की जाति की ये बड़ी सी काली चिड़िया है. तो विंटर में ये वाली चिड़िया भी आती है. एंड द पिक्चर स्टोरी बुक्स. और साथ साथ क्या आती है, पिक्चर स्टोरी बुक्स यानी स्टोरी बुक्स जिसमें कथाएं चित्र के माध्यम से बनी होती हैं, समझाई जाती हैं, जो खास तौर से छोटे बच्चों के लिए ऐसी बुक डिजाइन की जाती है. वाटर नाउ इज टर्न्ड टू स्टोन. अब ठंड इतनी ज्यादा है कि पानी जमकर पत्थर हो गया है. नर्स एंड आई कैन वॉक अपॉन. और वो पत्थर इतना हो गया है कड़ा कि मैं और मेरी नर्स हम उसमें चल सकते हैं. यानी पानी इतना जम गया है कि मैं अपनी नर्स, नर्स यानी जो भी बच्चे की देखभाल करता है, तो कवि कहता है कि बच्चा जो उसकी देखभाल करता है उनके साथ उस पत्थर पर चल सकता है. पानी जमकर ऐसा पत्थर हो गया है. स्टिल वी फाइंड द फ्लोइंग ब्रुक्स. लेकिन फिर भी हमें बहते हुए झरने मिलते हैं. कहाँ मिलते हैं, इन द पिक्चर स्टोरी बुक्स. छोटी छोटी नदियाँ हमें मिलती हैं कहानियों की किताबों में, पिक्चर स्टोरी बुक्स में. अभी भी हमें बहती हुई नदी मिलती है जबकि बाहर सर्दी से पानी जम चुका है. All the pretty things put by. और सारी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब रख दी गई हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए. Wait upon the children's eye. और बच्चे आंखों में उसका इंतजार करते हैं कि कब फिर से उन चीजों को देख पाएंगे. अब क्या है वो चीजें, Sheep and shepherds. Sheep भेड़ और shepherds चरवाहे जो भेड़ों को चराते हैं. Trees and crooks. ट्रीज पेड़ और क्रुक्स कहते हैं वो पतली सी लंबी छड़ी जो आगे से घुमावदार होती है, जो शेफर्ड्स अक्सर रखते हैं भेड़ बकरियों को जो चराते हैं, उनके हाथ में ऐसी छड़ी होती है. इन द पिक्चर स्टोरी बुक्स. और ये सब चीजें अब कहाँ दिखेंगी, पिक्चर स्टोरी बुक्स में, कहानियों की किताबों में जो चित्रों वाली है.
वी मे सी हाउ ऑल थिंग्स आर, हम देख सकते हैं कि सारी चीजें कैसी हैं. क्या क्या देख सकते हैं? सीज एंड सिटीज, समुद्र और शहरों को, नियर एंड फार, वो जो कुछ हमारे पास है या हमसे दूर हैं, ऑन द फ्लाइंग फेरीज लुक्स, और साथ ही साथ हम उड़ती हुई परियों को भी देख सकते हैं, उनकी झलक भी देख सकते हैं. कहाँ पर देख सकते हैं? अगेन इन द पिक्चर स्टोरी बुक्स, चित्रों वाली कहानी की किताबों में हम उन्हें अभी भी देख सकते हैं. हाउ एम आई टू सिंग योर प्रेज, और मैं तुम्हारी स्तुति यानी तुम्हारा गुणगान कैसे करूं, तुम्हारी बड़ाई कैसे करूं. हैप्पी चिमनी कॉर्नर डेज, हैप्पी चिमनी यानी सर्दियों में क्या होता है, कमरे के कोने में चिमनी जल रही होती है, आग जल रही होती है, और कोने में आग के पास सारे बैठे होते हैं, तो इसलिए पोएट ने लिखा है हैप्पी चिमनी कॉर्नर डेज, यानी चिमनी के सामने कोने में आग के सामने बैठने वाले दिन. सिटिंग सेफ इन नर्सरी नुक्स, और सिटिंग सेफ यानी सुरक्षित बैठे हुए हैं, कौन बैठा है? बच्चे अपनी नर्सरी में यानी अपने कमरे के कोने में बच्चे चिमनी के सामने सुरक्षित बैठे हुए हैं और आग से हाथ सेक रहे हैं, अपने आप को गर्म रख रहे हैं, और साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं? रीडिंग पिक्चर स्टोरी बुक्स, वो स्टोरी बुक्स पढ़ रहे हैं जिसमें पिक्चर्स हैं. तो दिस वॉज द पोयम रिटन बाय आर एल स्टीवेंसन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोयम. इफ यू लाइक द पोयम, चिल्ड्रन प्रेस ऑन लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू सून, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे.